अव्यक्त बाप दादा का रिसेंट क्लास चल रहा था 16 अक्टूबर 2016 शांति। ये महावाक्य कितने सभी के प्यारे हैं। क्या महावाक्य? ओम शांति सभी के प्यारे हैं। भले कुछ भी हो लेकिन ओम शांति शब्द रोने का वायुमंडल हो तो भी ओम शांति शब्द हमारे को शांति की याद दिलाता है। ओम शांति कहने से ही चाहे कैसा भी दृश्य सामने आवे लेकिन ओम शांति का अर्थ अपना ही रूप दिखाता है। शांति कहना स्वतः ही अंदर शांति की लहर फैलाता है। सबके दिल में ओम शांति अपना ही अर्थ फैलाता है। जैसे बाबा शब्द अपना अर्थ फैलाता है तो ऐसे ही ओम शांति का शब्द अपना ही अर्थ दिल में फैलाता है। और दिल में फैलाता तो है लेकिन फैलाते हुए उस अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। सिर्फ कहते नहीं है लेकिन चारों ओर देखो तो ओम शांति के अर्थ स्वरूप में मेजॉरिटी अर्थ स्वरूप में टिके हुए हैं। मेजॉरिटी का रूप चमक रहा है। एक दो को देख, एक दो के संग का रंग चेहरे से चमकता रहता है। इसलिए बाप दादा भी ओम शांति ही याद दिलाते हैं। हर एक के मुख में अंदर ओम शांति का अर्थ दिखाई दे रहा है। हर एक के दिल के अंदर ओम शांति का अर्थ स्वरूप में दिखाई दे रहा है। आप सबके अंदर दिल में अर्थ आ गया। हर एक ओम शांति के अर्थ स्वरूप में देख रहे हैं। बोल रहा है कोई, देख रहा है ओम शांति। अभी भी सभी इस घड़ी ओम शांति के अर्थ स्वरूप में बहुत अर्थ में मगन है। तो बाप भी कहते हैं इसी ओम शांति अर्थ में टिकने से सबकी शक्लों में मेजॉरिटी सब ओम शांति के अर्थ में मगन है। आगे पीछे हाथ क्या उठाएं लेकिन मेजॉरिटी सर्च स्वरूप में समाये हुए। सभी के मुख से ओम शांति निकल रहा है। सभी के दिल में ओम शांति शब्द समाया हुआ है। सभी के मन में ये अर्थ है इमर्ज है। सभी उस ओम शांति के अर्थ में मन की डांस कर रहे हैं। भले पांव की डांस नहीं कर रहे हैं लेकिन मन की डांस मेजॉरिटी कर रहे हैं। ये मन की डांस क्या होती है
और पांव की डांस क्या होती है? पांव की डांस होती है स्थूल, और मन की डांस है सूक्ष्म संकल्पों की डांस। भले पांव की डांस नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन की डांस मैन आर्ट ही कर रहे हैं। और ये मन की डांस कितनी प्यारी है, किसी को परेशान नहीं करती। हरेक अपने मन की शांति होने के कारण बहुत बाहर से भी शांत, मन से भी शांत। ऐसे डबल ओम शांति, बाहर मुख से भी ओम शांति और मन से भी ओम शांति। तो ये भी एक डांस है, मन की डांस। शांति में बैठे कितनी मीठी डांस कर रहे हो, लेकिन मन की डांस होने के कारण बाहर का आवाज नहीं है। हर एक अपने मन की डांस में बिजी है, इसलिए मन का आवाज है लेकिन मुख का आवाज नहीं है। इतने लोग होते भी नजदीक तक कोई आवे तभी सुन सकता है, क्योंकि मन की डांस मन ही जाने। और इस मन की डांस में इतने बिजी हैं, जो इस मन की डांस में बाहर कितने भी बैठे हैं, लेकिन मन की शांति है, मन की मस्ती में सब मगन है। इसलिए ये मन की डांस बाहर का आवाज नहीं करती, लेकिन ये मन की डांस मन में इतने रंग दिखाती है, जो रंग बहुत प्यारे हैं। ये मन की डांस जब भी होती है तो बाहर की आवाज से कुछ नहीं, अरे कितने बैठे हैं लेकिन आवाज नहीं है। क्यों? क्योंकि मन की डांस में सब बिजी है। और ये डांस बहुत अच्छी है, अच्छी लगती है। बाहर की डांस तो बहुत ही देखी, लेकिन ये मन की डांस बहुत रमणीक है। अभी इस डांस को ज्यादा बढ़ाओ। मन की डांस जानते हो ना? जानते हो? जो जानते हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा, तो सभी जानते हैं, बहुत अच्छा, हाथ भी उठाए रहे हैं। तो भी इस डांस में नंबर आगे जाओ। ये मन की डांस अच्छी लगती है, वह मुख की डांस अच्छी लगती है। अभी आदत डालो मन के डांस की। इसमें भी बिजी रहने से मन की डांस करने के टाइम या हाल में कितनी शांति हो जाती। लेकिन ये डांस अभी ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि दिन प्रतिदिन बाहर का हंगामा तो बढ़ता ही जाता है और बढ़ता ही रहना है। ऐसे टाइम पर बाहर की डांस या मन की डांस, बाहर के आवाज में आना तो वो भी अच्छा है, लेकिन मन की डांस की प्रैक्टिस बहुत चाहिए। इसकी अंदर ही अंदर प्रैक्टिस होनी चाहिए। सारे दिन में इसका टाइम पहले निकालो। हर एक अपने दिन में दोनों ही डांस का टाइम निकालो और प्रैक्टिस करो। जितना ये डांस करते रहेंगे तो इस डांस से मन की डांस का प्रभाव मुख की डांस में भी पड़ता रहता है। मतलब मन की डांस का प्रभाव मुख की डांस में कैसे पड़ता है?
मनसा से मनन चिंतन मंथन जितना ही बढ़ता रहेगा तो उस मनन चिंतन मंथन के प्रभाव से अच्छे अच्छे ज्ञान रत्न निकलेंगे और उन नई नई बातों को दूसरों को सुनाने से बहुत खुशी होगी। मुख का डांस आ जाएगा कि मन का डांस बढ़ाओ, फिर बहुत रुचि बढ़ती जाएगी। अभी बाप ने देखा तो कईयों का मन की डांस में इंटरेस्ट बढ़ता जाता है और चारों ओर सच्चे शांति की अनुभूति हो रही है। कईयों का अनुभव इसमें बहुत अच्छा बढ़ता जा रहा है और ये अभ्यास बढ़ना बहुत फायदेमंद है। जो बार मौन का प्रोग्राम बनाते हो तो उसमें भी मन की शांति बढ़ती और मन की शांति बढ़ने से ऑटोमेटिकली मुख का बोल कम होने लगता। तो हर एक को अभी इस समय क्या टेंशन देना है, मन के मौन पर। मन का मौन आप जानते हो कि मन के मौन के बारे में इतना नहीं जानते। शौक रखो इस पर, मन का मौन बढ़ता जाए। मन का मौन बढ़ने से तन का मौन स्वतः ही बढ़ता जाता है। इसमें आप सभी अपने अंदर मन का मौन बढ़ाने का पुरुषार्थ प्यार से बढ़ाते चलो। जितना इस तरफ कोशिश करेंगे, रुचि बढ़ेगी तो स्वतः ही मन के मौन होने से आवाज से इतने दूर हो जाएंगे और अंदर ही अंदर शांति की किरणें बढ़ जाएंगी। तो अभी एक सप्ताह विशेष मन की शांति, मन की शांति का ये एक सप्ताह मनाओ। मुख की शांति घटाओ, मन की शांति बढ़ाओ। तो ये ट्रायल करो, मन की शांति से सब प्रकार की शांति बढ़ती जाएगी। अभी एक मास मन की शांति को बढ़ाना है। मन की शांति बढ़ने से ऑटोमेटिकली मुख की शांति, मुख की शक्ति बढ़ती रहेगी। प्रैक्टिस सभी को अच्छी लगती है, हाथ उठाओ। अच्छा, हाथ तो सभी ने उठाया मेजॉरिटी। अभी ये मन की शक्ति क्या है और उसको कैसे बढ़ाना है, ये भी अंदर ही अंदर अभ्यास करते रहो। और ये मन की शांति का लेसन बढ़ाते रहो। इतना मन की शांति बढ़ेगी, इतने ही मन की शांति का प्रभाव मुख की शांति पर भी पड़ेगा और जितनी मन की शांति बढ़ेगी उतनी मुख की शक्ति बाहर की वो कम होती जाएगी और मन की शांति बढ़ेगी। आजकल बीच में बहुत अच्छी ये रेस चली थी, मन की शांति सबकी बढ़ गई, चाहे मनसा सोचने की शक्ति, चाहे मुख द्वारा, चाहे सूक्ष्म शक्ति बढ़ाने का अभ्यास। जितना बढ़ाएंगे उतना ही शक्ति बढ़ करके मुख की शक्ति कम होगी। तो काफी बोल में जो नीचे ऊपर होता है या बोल के लिए पुरुषार्थ करते हैं वो देखा गया कि कम होता है, तो वो करते चले, यही बाप दादा का कहना है। इस बीच कोई बहन ने अनाउंसमेंट किया, रमेश भाई का तबीयत अच्छी है लेकिन थोड़ा हॉस्पिटल ले जा रहे हैं तो बाबा से मिलकर जाएंगे, इसलिए बीच में ब्रेक दिया।
सबको अशांति फैलाने की मन में आवश्यकता नहीं है, शांति में ही रहना है। सब लोग ऊपर नहीं आइए, भीड़ लग जाती है। अभी बाबा की वाणी चल रही है, सेवा का टर्न बताना है, सब कुछ करना है। बहन ने बाप दादा को कहा, सेवा का टर्न पंजाब और राजस्थान का है, टोटल 22,000 आए, उसमें पंजाब 11,000 आए और राजस्थान 5,000 आए। तो बाबा कुछ बोलिए। बाबा ने बोला उनको भी इशारा देंगे तो ठीक हो जाएंगे। अच्छा, वैसे टोटली ये जो सब्जेक्ट चली अभी, सेवा और साथ में सर्विस, दो बातें। सेवा को भी बड़ा नहीं है, आप क्या समझते हो सेवा बढ़ाएंगे? जो समझते हैं सेवा को बढ़ाएं वो हाथ उठाओ। पंजाब और राजस्थान के ही सेवाधारी हैं और बाकी सभी? बहन ने कहा बाकी सभी पार्टी वाले हैं, क्योंकि सेवा भी जरूरी है। अगर सेवा नहीं करेंगे तो यहाँ वहाँ टाइम ऐसे ही, तो टाइम पास तो करना है और अच्छा है टाइम पास करना है। जो आया वो आया, जो किया वो किया, ऐसे नहीं। कायदे मुजीब जैसे प्रोग्राम बोले उसे अनुसार रिजल्ट निकलनी चाहिए। तो इसमें सर्विस करने वाले फिर बहन ने कहा, रमेश भाई की तबीयत ढीली है, हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, आपसे मिलने आए हैं, तो पंजाब और राजस्थान वाले बैठ जाएं अपनी जगह पर। रमेश भाई ने बाप दादा को नई पुस्तकें भेंट की। सर्विस का तो चल ही रहा है और सर्विस भी जरूरी है, सर्विस के बिना आप भी फ्री हो जाएंगे ना, तो आपको भी और संकल्प चलेंगे, कुछ होना चाहिए। लेकिन पहले अभी जो सर्विस का प्लान, इस प्लान के बारे में निकला है, तो बाप दादा की यही विचार है कि पहले जो सेवा रही हुई है उनको पूरा करो। ऐसे शुरू करते हैं, फिर कुछ समय के बाद वो जोश जो है वो सर्विस करने का वो कम हो जाता है। अच्छा है रमेश भाई, आपका विचार तो बढ़िया है, लेकिन इसमें करने के समय कुछ विशेष ध्यान भी रखना पड़ेगा। वो थोड़ा ध्यान आपस में बैठ करके थोड़ा थोड़ा करो, इसके बारे में चर्चा, तो वो कैसे चलाएं और कैसे उनकी वृद्धि हो। ज्यादा टू मच में भी नहीं जाना है और न एकदम कम कर देना, बीच में चाहिए दोनों ही तरफ। तो इसलिए पहले एक छोटी मीटिंग करो, उसमें पहले आइडिया बनाओ सारा, क्या क्या करना है नहीं करना है, वो हर एक विचार अपना अपना देवे। उसी पर पहले अपना प्लान बनाओ, क्योंकि सभी की सर्विस करें बढ़ाएं या नहीं ये पता पड़ जाएगा। तो ये भले प्लान निकालो,
डबल विदेशी 75 देशों से 900 आए, इसमें सिंधी ग्रुप भी आया है। विदेशी इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा है। जितना सर्विस में आगे बढ़ते हैं उतना ही फिर और सब्जेक्ट में भी पीछे नहीं रहे, उसका फिर मिल करके सर्विस भले प्लान सारा बनाएंगे तभी ये टॉपिक फाइनल होगी। अभी भले बनाओ थोड़ा टाइम पहले, अभी जो जिन्होंने बनाया है सर्विस का प्लान तो उसको उसमें सुनो और पहले उसको फाइनल कर सको तो करो, नहीं तो एडिशन करनी हो तो एडिशन का भी रूपरेखा बताओ, फिर इसके ऊपर सोच के सर्विस का भी बनाएं और उस योग का भी बनाएं। ये दो टॉपिक जो हैं वो बहुत जरूरी है, उसको बना करके फिर ये प्लान जो है उसको फाइनल करो कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना, थोड़ा जरूरी जरूरी बनाओ। जो समझते हो कि जरूरी है पहले वो बना के पहले पास कराओ पार्टी के साथ, फिर आउट करना। दादियां बाप दादा से मिलने लगी, बाप दादा बोले बस बाबा आपका तो पहले सर्विस आपकी, क्योंकि बाबा को शौक है सेवा का, सेवा की तरफ ही अटेंशन जाता है, इसलिए सेवा भी करनी है और साथ में ये जो सेवा है उसको बढ़ाना भी है। एक तरफ बाबा कहते हैं बढ़ाओ, दूसरी तरफ कहते हैं इतना नहीं सेवा करो जो संभाल ना सको, ये भी ठीक सिस्टम पहले ठीक करो। सिस्टम ठीक हो जाएगी तो फिर ऑटोमेटिकली सब डिपार्टमेंट में ठीक होगा, लेकिन ध्यान जाए तो एक एक डिपार्टमेंट को उसी रीत से जैसे आप निकालेंगे वैसे ठीक करना है, या कुछ और ऐड करना है कट होना है ये भी सारा पहले फाइनल करना है। विदेश की बड़ी बहनों से तो आपस में आप बैठे हैं, आपने अपना प्लान बना दिया, अभी बनाएंगे किसी ने कहा, क्योंकि अभी आपने आइडिया दिया ना, बनाएंगे तो पहले बनाओ फिर बाप दादा देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है, और फिर सेवा को जैसे इतना टाइम आपने दिया तो इतना टाइम सभी को निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि तो रिपीट तो करेंगे ना, तो उसमें बहुत करके एम रखो कि सर्विस मुख्य जो भी है उसमें वो बता दो, फिर डबल वारी नहीं बैठे वो ही समझो सब सर्विसे बोले, और सर्विस के लिए ही सोचते हैं, आए भी सर्विस के प्लान के लिए है, तो उस अनुसार जितना सर्विस के ऊपर अटेंशन देना है उतना ही सर्विस का फायदा उठा सकते। कोई बहन ने कहा सभी ने सब तरफ से बहुत बहुत याद प्यार भेजी है, क्योंकि सब आ तो नहीं सके, अच्छा है आपस में बैठकर कोई नवीनता निकालो, ये सब तो चलता ही रहता है उसको थोड़ा ठीक करना है, ठीक तो भले करो लेकिन कोई नवीनता भी तो निकालो ना। कोई ने कहा जर्मनी में रिट्रीट सेंटर मिला है, सुदेश बहन बाबा को उसका नक्शा दिखाई रही, सब कुछ बनाया है फिर भी भले सभी देखो बाप दादा को भी दिखाओ, क्योंकि इसे देखने से तो फायदा नहीं है, विचार नहीं दे सकते हैं, तो उस पर्सनल जो मीटिंग हो भी उसमें ये आए अपना विचार देवे।